हारेम इन द लेबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड एपिसोड 2 के पहले सीन में हम मिचियो और रॉक्सिन और उसके साथ और 3 लड़कियों को एक विलेज पर आते हुए देख सकते हैं। उसी टाइम पर हमको ये भी पता चलता है कि मिचियो उसी विलेज पर आया हुआ था जिस विलेज पर वो पहली बार रिकार्नेटेड हुआ था। उसी टाइम पर हम मिचियो रॉक्सिन को उस विलेज के बारे में बताते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर मिचियो एक हॉर्स के साथ भी बातें करने लगता है और उसी टाइम पर मिचियो एक लड़का को खेत पर काम करता हुआ देख लेता है और हमें उसका नाम भी पता चलता है और उसका नाम था मियो। और कुछ देर बाद हमको ये भी पता चलता है कि वो लड़का मिचियो का ही बेटा था और बाद में हम मिचियो उस लड़के को फादर और मदर के बारे में भी पूछते हुए देख सकते हैं। और सब कुछ सुनने के बाद मियो ये कहता है कि उसका माँ बहुत अच्छी है और उसी टाइम पर हम मिचियो उस लड़का को एक शॉट देता हुआ भी देख सकते हैं। और उस लड़का को शॉट देने के बाद हम मिचियो रॉक्सिन और 3 लड़की को उस जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर मिचियो रॉक्सिन को खरीद करने के लिए बहुत सारा पैसा कमाते हुए भी देख सकते हैं। और उसी टाइम पर मिचियो को ये भी पता चलता है कि वो बहुत अच्छी तरह से पैसा नहीं कमा रहा है। तो उसके बाद हम मिचियो को लेबिरिंथ के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम मिचियो स्लेव मास्टर के साथ लेबिरिंथ के बारे में बातें करने के लिए जाता हुआ भी देख सकते हैं और कुछ देर तक बातें करने के बाद स्लेव मास्टर मिचियो को लेबिरिंथ पर नहीं जाने के लिए कहने लगता है। तो इस सब कुछ सुनने के बाद मिचियो अपने होटल रूम पर आ जाता है और कुछ देर तक सोचने के बाद मिचियो लेबिरिंथ पर जाने के लिए रेडी होता है। तो उसके बाद हम मिचियो को मार्केट पर शॉट खरीदने के लिए जाते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर मिचियो एक शॉट को भी खरीद लेता है। तो शॉट को खरीद करने के बाद मिचियो लेबिरिंथ की तरह बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद मिचियो लेबिरिंथ की एंट्रांस पर पहुंच जाता है और उसी टाइम पर मिचियो बहुत सारे एडवेंचरर को लेबिरिंथ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता हुआ भी देख लेता है और उसी टाइम पर मिचियो उन लोग को टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता हुआ भी देख लेता है। तो इस सब कुछ देखने के बाद मिचियो भी लेबिरिंथ के अंदर चला जाता है और हम मिचियो को वेल लेबिरिंथ लेवल 1 पर भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम मिचियो को बहुत सारे ऑप्शन को अप्लाई करते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर उसका इस गेम के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। और कुछ देर बाद हम मिचियो को डंजन वॉक का इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं पर मिचियो का इन सारे स्पेल को अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर मिचियो के सामने एक मॉन्स्टर को देख लेते हैं और मिचियो उस मॉन्स्टर को बहुत आसानी से ही हरा देता है जिसकी वजह से उसको बहुत सारे रिवार्ड भी मिल जाता है। और उसके बाद हम मिचियो को बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ बैटल करते हुए भी देख सकते हैं और कुछ देर तक मॉन्स्टर से बैटल करने के बाद मिचियो का MP भी गिरने लगता है। तो कुछ देर तक मॉन्स्टर के साथ बैटल करने के बाद मिचियो उस लेबिरिंथ से बाहर आ जाता है और हम मिचियो को अपने रिवार्ड को रिडीम करने के लिए भी आते हुए देख सकते हैं और उसे 273 नार भी मिल जाता है। तो उन सारे रिवार्ड को कलेक्ट करने के बाद हम मिचियो को अपने रूम पर सोने के लिए जाते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर वो ये भी डिसाइड कर लेता है कि वो कल फिर से लेबिरिंथ पर मॉन्स्टर को बैटल करने के लिए चला जाएगा। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और हम मिचियो को मॉन्स्टर को मारने के लिए लेबिरिंथ के अंदर जाता हुआ भी देख सकते हैं और हम मिचियो को बहुत सारे मॉन्स्टर को गिराते हुए भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ बैटल करने के बाद मिचियो का MP भी गिरने लगता है और उसी टाइम पर मिचियो एक सेक्रेट वे भी ढूंढ लेता है। तो उसके बाद हम मिचियो को उस सेक्रेट वे के अंदर जाते हुए देख सकते हैं और उसको ये लग रहा था कि वो एक ट्रेजर रूम के अंदर जा रहा है पर बाद में उसको ये पता चल रहा है कि वो एक मॉन्स्टर हाउस के अंदर है। तो उसके बाद हम मिचियो को बहुत सारे मॉन्स्टर के सामने देख सकते हैं और कुछ देर तक बैटल करने के बाद मिचियो ग्राउंड पर गिर जाता है और उसी टाइम पर मिचियो को ये लग रहा था कि अगर मैं इन सारे मॉन्स्टर के साथ बैटल नहीं करूँगा तो मैं इस जगह पर मर जाऊँगा। तो उसके बाद हम मिचियो को फिर से अपनी ओवरवेलमिंग स्पेल का यूज़ करते हुए उन मॉन्स्टर के साथ बैटल करते हुए देख सकते हैं। ओवरवेलमिंग अटैक का इस्तेमाल करने के बाद मिचियो का MP भी गिरने लगता है पर बाद में मिचियो उन सारे मॉन्स्टर को बहुत आसानी से ही हरा देता है और उसके बाद मिचियो उन सारे रिवार्ड को कलेक्ट करके उस जगह से बाहर आ जाता है। तो लेबिरिंथ के बाहर आने के बाद हम मिचियो को एक जगह पर जाते हुए देख सकते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक बैंडिट को देख रहे होते हैं। तो उसी टाइम पर हम बहुत सारे लोग को उस बैंडिट के बारे में बातें करते हुए देख सकते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि वो अपने दोस्त का रिवेंज लेने के लिए उस जगह पर आया हुआ था।
अरे सब कुछ सुनने के बाद मिचियो को ये लग रहा था कि वो बैंडिट मिचियो के साथ रिवेंज करने के लिए उस जगह पर आया हुआ था। तो उसी टाइम पर हम उस बैंडिट का हाथ कटे हुए भी देख सकते हैं। तो इस एनिमे के एंड पर हम मिचियो को ये सोचते हुए देख सकते हैं कि वो लेबिरिंथ पर बहुत कम पैसे कमा रहा है, तो इसलिए मिचियो बैंडिट हंट के लिए तैयार होने लगता है।